मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। संगीत मुकद्दर के हालात और भुट्टा को बनवा रिया। हम छोड़ चले हैं तुम्हें भैया, याद आए कभी को मत रोना। प्रधान से भी ज्यादा हरामी है इसका नौकर, बदतमीज है, नालायक, किसे बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम। ये गाली कितनी देता है? ये बहुत हरामी इंसान है। हरामी वो नहीं, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। हमारी क्या गलती है तुम्हें? और क्या गलती है हमारी है क्या? नहीं, हमारी क्या गलती है पहले बताओ। इस उम्र में इस तरीके से खेतों में घूमोगी? ये लोग तुम्हें छेड़ेंगे नहीं तो क्या? तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे? हम घूम कहां रहे थे? मैं तो अपने बाबू के लिए खेतों में खाना लेकर जा रही थी। खाना लेकर जा रही, फिर प्रधान के चक्कर में कैसे पड़ गई तुम? प्रधान रास्ते में मिल गया इसका नौकर, प्रधान का, कहने लगा बहुत तेजों से भूख लगी है। और प्रधान? हाँ, प्रधान कहने लगा हमारे भूख लगी। प्रधान कहने लगा हमारे नौकर के भूख लगी है। अच्छा, प्रधान कहने लगा कि हमारे नौकर के भूख लगी है। जी हाँ। फिर मैंने अपना खाना खिला दिया, फिर अपनी उल्टी सीधी बातें करने लगा हमसे, गंदी गंदी। तुमने हमदर्दी दिखा दिया? जी हाँ, हमदर्दी दिखा दिया और वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। ये तो मौके पर मैं आ गया, वरना जाने तुम्हारे साथ में क्या करता। हा? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, साली टेंशन दूर हो गई। अब प्रधान विश्वनाथ नहीं आएगा, हमारी बात जरा गौर करके सुनो गुड़िया। गुड़िया, और रह गया अबू न खटका है कोई। अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत। और रह गया अबू न खटका है कोई, गुड़िया अपने भवन आप जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लेकिन बिजनू, हम कहते हैं अपने घर जाओ और तुम जमीन पे गिर पड़ी हो। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। हमसे? काफी दिन से कहना चाहती हूँ, काफी दिनों से कहना चाहती हूँ, अब तक कह नहीं पाई हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे दिल के अंदर जो काफी दिनों से कहना चाहती हो, आज तक कहने का मौका नहीं मिले? चलो जल्दी कहो क्या कहना चाहती हो। मौका है तो आज कहना चाह रही हूँ। चलो चलो जल्दी कहो। तो जब देखी तुम्हारी ये भोली तकल, हमारी जाने क्या हो गया दिल में तुम हो बने, हाय मुस्कुराओ और गले पे खराब करो मेरी बात, जरा कान खोल कर सुनो गुड़िया। की क्या बात है? तो छोड़ो छोड़ो, अंधकार जाने दीजिए मुझे, छोड़ो छोड़ो, और अंधकार जाने दीजिए मुझे, खाम खा की बातें सुना, अपने माँ बाप के अनुनाम पर गुड़िया
कुलवती दाग कुल में दिमाग खराब है क्या तेरा? ए मित्रु हाय साथी देने का गए मेरे वादा करो, साथ देने का साथी में भी निभाने का वादा करो, हाय तुम बनो मेरे मजनू। तो इसका मतलब बात यहाँ तक आ पहुंची है, प्यार करो लैला बनोगी हमारे लिए। क्यों नहीं यार? गुड़िया तो हुस्न लैला बनो कर हमारे लिए, शौक से तेरा मजनू कहा और शान में कर चेसीरी बनो चा। हाय मेरी जान, देखने वालों को देखने दो गुड़िया, हम भी तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे मेरी जान, आज मौका आ गया तो कह डालूं मेरी जान, बहुत अच्छी हो तुम, कितने अच्छे हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया गुड़िया, अब तो हमारा दिल यही कहता है कि तुम्हारी बाहों में हमेशा रहूं। और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में Thank you.
भाई ग्राम तलबीपुर निवासी, ये गुड़िया के प्यार पे खुश होकर के गुड़िया को 20 रुपए इनाम देते हैं। भाई साहब को धन्यवाद। हाय भगवान, अरे क्या हुआ, इतना समय हो गया गुड़िया, इतना तुम्हारी बातों में मैं पड़ गया। अरे हमारे भैया और हमारी भाभी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारे बापू तो खेतों में इंतजार करते होंगे यार बीच में। अरे खाना भी लेकर नहीं गई हो, तुम्हारे बापू भूख के लिए तड़प रहे होंगे। मशू खान तुम जरा खाना पहुँचाओ इसके बापू के लिए, ठीक है, पहुँचा दोगे। ए गुड़िया, अच्छा ये बताओ कल मुलाकात कहाँ होगी? आ? खेत में। ना बाबा मैं वहां नहीं आऊंगा, तुम्हारे बापू गाली बहुत बकते हैं भाई। छोड़, एक काम करो, तुम आज अपने बापू से कह देना कि वो खेतों में ना जाएं, तुम खेतों के देखभाल करने आओ, क्योंकि तुम्हारे बापू ने खीरा और ककड़ी बो रखा है ना, वही मुलाकात है। ए मेरी जान, अब तो हमने कसम खा लिया है कि एक दिन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी दुल्हनिया बना करके अपने घर जरूर लाऊंगा। और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। हर बच्चे स्कूल से आ गए लेकिन अभी मेरा देवर नहीं आया है, पता नहीं तुझे कहाँ लगा दिया। कैसे आएगा, इतना सर पे चढ़ा रखा है, जब डांटने लगता हूँ तो तुम बीच में आ जाती है। मामी देखो हर बच्चे आ गए लेकिन अभी देवर नहीं आया, काले से आज क्या बात है। वही तो सोचा, एक घंटा लेट है आज विष्णु आ गया। मैं भी सोच रही हूँ, जाने कहाँ रुक गया। पोस्टमास्टर साहब, नहीं भैया हम तुमको नहीं, कुछ पढ़े लिखे हो या कमार हो? नहीं पढ़े लिखे नहीं तो क्या हम कमार हैं? है पढ़े लिखे हो, गवार भी नहीं हो, कहने की अकल तो है नहीं, पोस्टमास्टर बता रहे हो ना। और नहीं हम कोई मर गए हैं क्या जो पोस्टमास्टर हो गए हैं? यार सब कहा पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर, अरे यार पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमाइन बोला जाता है। पोस्टमाइन अब कुछ नहीं कह पाते हो तो बोलिए डाकिया बाबू। अच्छा भाई डाकिया बाबू, विष्णु का मकान कौन है? बिल्कुल सही जगह पर आए हो, हम उसके बड़े भैया है, वो हमारा छोटा भाई है। विष्णु का मकान है? हाँ पत्र लाए हैं। पत्र ये पकड़ो। अच्छा भैया पैसा लाओ, पैसा लाओ भैया। यार दुविधा एक तुम्हारा और बकाया है, हाय आज नहीं बोहनिया ने ठिकाय दी हो तुम्हारा जुरीबाऊ का बकरे। नहीं नहीं भाई मानी नहीं करी बात, तीसर खेवा है दे हो एक को दे फेन है दई दी बप के ही हम हां उनका दई। यार तुम कुछ नहीं दिए हो,
आए? तीन दफे के पैसा बाकी है ना ही तुम्हारे पैसा बनाए बनते हैं तो का एक गिलास पानी ना जरूरत है। अरे हाँ घामो बड़ी जोर पसीनो तुम्हें बह रहा है प्यास से तो हुई हो लज्जो क्या स्वामी। अरे यार ये डाकिया आए हैं इनका तनी एक गिलास पानी पिया दे। हाँ स्वामी आप ये क्या कहते हैं अपने मालिक का नल खराब हो गया पानी। अरे भैया नल का डंडा ही टूट गया। डंडा ना टूट गया हमारी किस्मत ही फूट गई। तुम्हारे जुरी कुछ नहीं भाई। अच्छा अब हम चली हूँ का टूट गया है बोरिंग कच्ची कराई हुई हो ना। अच्छा भैया राम बहुत ज्यादा पर तो उबाल पर मार दी सोई। अच्छा भैया जय राम बुआ की बुरी जय राम के अजीब आदमी है यार। लज्जो लज्जो देखो चिट्ठी कहां दे आई। कहा तुम पांचवा पास आओ तो तुम पढ़ लेती हो। विष्णु तुम खुश रहो आगे का समाचार है जो तुमने पूरी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तुम्हें ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग पे वाले डीआईजी महोदय महाराज स्वामी मेरे देवर की ट्रेनिंग का पता लिया है सच स्वामी। भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ भैया भी खुश और भाभी भी खुश हैं। लगता है कोई कोई नई बात हो गई है जो आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। भैया और भाभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और नजर आए घर में खुशी का नजारा चमक सा गया भागु कैसे सितारा। क्या बात है भाभी माँ ऐसे ही गुमसुम रहोगी या कुछ बताओगी। जानते हैं हम लोग इतना खुश क्यों है ना तो जरूर बताओ। अरे वही तो जानना चाहता हूँ क्या बात है जो खुश नजर आ रहे हो। नजरिया है कहे में खुशी का इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का खत आया हुआ है। सेवा में श्रीमान महोदय विष्णु तुम्हें सूचित किया जाता है तुमने जो पुलिस अफसर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तुम इंटरव्यू में हर तरीके से पास आए हो इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया जा रहा है। पत्र भेजने वाले डीआईजी महोदय मद्रास। भैया भैया जो हमने पुलिस अफसर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उसी का जवाब आया है और हमें इसी हफ्ते में जाना भी होगा। भैया इसी हफ्ते में नहीं आज ही जाना होगा। आज ही क्योंकि ऐसा मौका में बार बार नहीं आता है या तुम जाओगे नहीं तो हो सकता है कुछ हो नहीं सकता। ये क्या कह रही हूँ भाभी आज अभी शिवा क्यों नहीं इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े पैक करती हूँ तब तक अपने भैया से बातें करो और उसके बाद तुरंत तैयार होकर चले जाओ। अरे सुनो तो इतनी भी जल्दी भैया जल्दी है। अरे वहाँ जाओगे कहीं क्वार्टर की तलाश करोगे कहीं रहने का बंदोबस्त करोगे और ये आप लोग क्या कहते हैं भैया। देखो विष्णु ऐसा मौका बार बार नहीं आता
तुम तो जानते हो भैया कि आज तक तुम्हारी नजरों से दूर नहीं हुआ हूं और आज तुम्हें छोड़कर मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, मेरा दिल वहां नहीं लगेगा और आपका दिल यहां नहीं लगेगा, आप लोग हमारे लिए बेचैन होंगे, हम आपके लिए बेचैन होंगे भैया, इसलिए छोड़ो, ये पुलिस की नौकरी में करना नहीं चाहता भैया। क्या? 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 नहीं, देखो विष्णु, मेरी आशा को मत तोड़ो, हम इसी आश्रय पर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और जब एक मौका हाथ आया, देखो अगर ममता के आंचल में पड़े रहोगे तो मेरी तरफ देखो, सारी जिंदगी कुदार चलाते चलाते गुजर जाएगी, आखिर मेरा बुढ़ापे में कौन बुढ़ापे की लाठी बनेगा? सच कहते हो भैया, भाई सोचता हूँ एक दिन, तुमने बचपन से सपना देख रखा था कि विष्णु को पढ़ा लिखा कर एक दिन पुलिस का अफसर बनाऊंगा, और आज वो मौका हमारे हाथ आया है, अगर मैं ट्रेनिंग के वास्ते नहीं जाऊंगा तो ये मौका हाथ से हमारे निकल जाएगा, और भाभी शायद ये गरीबी हमारे घर से दूर कभी नहीं जाएगी, मैं आप लोगों का सपना साकार करूंगा भैया। वाह, मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा भैया, आपने जो सपना देखा है उसे मैं हकीकत में बदलूंगा भैया। भैया एक बात कहना चाहता हूँ, कौन सी बात भैया? परमात्मा ने चाहा तो एक दिन मेरा भाई वर्दी में सच कराएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात हमारी ये समझ में नहीं आती विष्णु कि कटता कद्दू ही है, चाहे धार पे रखो चाहे नीचे। मतलब नहीं समझा भैया? मतलब ये है कि हम गरीब से, हमें ईश्वर एक मौका देता भी है, हम फिर गोता लगाने लगते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से, गरीब थे अफसर हो गए, भूल गए हम कभी गरीब थे, लेकिन तुम मेरे भाई हो, आज हमसे एक बात का वादा करो। किस बात का भैया? कि तुम एक गरीब के भाई हो, तुम उस वर्दी को पहनकर, ये वर्दी जो होती है हमारे देश की आन बान शान है, गरीबों का इंसाफ करने के लिए पहनाई जाती है, लेकिन आज हमसे वादा करो विष्णु, उस वर्दी को पहनकर तुम इंसाफ करोगे, और इंसाफ में चाहे तुम्हारा भाई भी हो तुम उसे गिरफ्तार। मेरे सर की कसम भैया, हाँ, इस दुनिया के अंदर अगर भगवान माना है तो हमने आप लोगों को माना है, आप हमारे माता पिता हैं, तुमसे बढ़कर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हारे सर पर और भाभी के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जिस वक्त मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी होगी, कानून की नजर में दोस्त भाई बाप आ जाएगा, मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना, अगर मेरी याद आ जाए तो अपनी आंखों से आंसू मत बहाना भैया। हम छोड़ी चले हैं तुम्हें भैया, हम छोड़ी चले हैं तुम्हें भैया, याद आए कभी को मत रोना, ¡Gracias!
आज घर को सोना करके चला गया। घर में अच्छा ही नहीं लगता है स्वामी। लेकिन स्वामी, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? देखो गांव के काफी लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं। क्या गांव में कोई बात हो गई क्या स्वामी? जरूर कोई बात है। से आ रहा हूँ काका। अरे काका राम, जय राम दत्तू। भौजी कहाँ दत्तू? वैसे ससुर आक बात समझ में नहीं आ रही। आ सारा पसियाना हमरे मोहरे पर आईस तो नहीं बिसुनु। एक घंटा लेट आए रहे। श्यामू काका के लौंडियत कुछ कही दी नहीं हो। दद्दू नमस्ते। गुड़िया